हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सोशल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हमारे सोशल सेक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, द प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द माइनॉरिटीज़ इन इंडिया इज़ कॉल्ड। माइनॉरिटी के लिए कौन सा प्रोग्राम अनाउंस किया गया है? तो उसका नाम है 15-point प्रोग्राम। अब बात आती है माइनॉरिटी किसको माना जाता है। एज सच माइनॉरिटी की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो माइनॉरिटी ग्रुप किसको माना जाता है कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर रिलीजियस बेसिस पे जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको इंडिया में माइनॉरिटी ग्रुप माना जाता है, राइट? नेक्स्ट है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बिकॉज। अब ये जो नरेगा स्कीम है जिसको एमजी नरेगा भी बोलते हैं, ये बाकी के जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इंडिया में चल रहे हैं उनसे डिफरेंट कैसे है? क्योंकि ये जो नरेगा स्कीम है इसमें 100 days का ग्रांटेड वर्क दिया जाता है पर ईयर। एक साल में 100 days का ग्रांटेड वर्क दिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इट इज नॉट ए प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट बट लीगल ग्रांटी टू वर्क। नेक्स्ट, व्हेन वाज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी ने कब दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट? तो ये दिया था 1990 में। किसने दिया था? महबूब उल हक ने। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैटेगरीज की बात करें तो टोटल कितनी कैटेगरीज है? 4 categories आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। कौन कौन सी है ये 4 categories? एक तो आती है लो, दूसरी है मीडियम, तीसरी आ जाएगी हाई और चौथी है हमारी वेरी हाई। अब लो कैटेगरी वाला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन सा आ जाता है? जिसका HDI लेस देन 0.550 है, 0.550 से भी कम है HDI। तो मीडियम कैटेगरी में कौन से आते हैं? जिनका है 0.550 से लेकर 0.699 तक है HDI। हाई कैटेगरी में कौन से आते हैं? जिनका HDI 0.700 से लेकर 0.799 तक आता है। और वेरी हाई में कौन से आ जाते हैं? जिनका HDI मोर देन या इक्वल्स टू 0.800 आता है। तो इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कितना है? 0.633 है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टेप फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट इन इंडिया अमर्त्य सेन हैज इम्फेसाइज्ड। बर्थ रेट कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अमर्त्य सेन ने किस चीज़ पे ज़्यादा इम्फेसाइज किया था? तो वो किया था फीमेल लिटरेसी पे, फीमेल की एजुकेशन पे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, द नीड फॉर इम्प्रूविंग फीमेल लिटरेसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना नाम से पता चल रहा है आवास मीन्स हाउस, कि हाउसिंग की बात हो रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा अगर हम ऑप्शंस देखें? फर्स्ट में क्या है? सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, आवास हाउस की कोई बात ही नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स, रोड्स की बात हो रही है, घर की कोई भी बात नहीं हो रही। थर्ड है प्रोवाइडिंग हाउस एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द मेंबर्स ऑफ SC ST एंड फ्री बॉन्डेड लेबरर्स। यहाँ पे हाउस प्रोवाइड करने की बात हो रही है। तो ये किसके रिगार्डिंग है इंदिरा आवास योजना? प्रोवाइडिंग हाउसिंग से। लैंड डेवलपमेंट वेस्ट लैंड, इसमें अगेन हाउसिंग की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस हैज द प्लानिंग कमीशन डिफाइंड पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन से माने जाते हैं? जिनको 2400 किलो कैलोरीज से भी कम का न्यूट्रिशन मिल रहा है, राइट? अर्बन एरिया का कितना था? 2100 किलो कैलोरी। अर्बन एरिया का 2100 था, रूरल एरिया का 2400 का है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव फॉर ईच सैम्पल विलेज। जो फर्स्ट इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स इंक्लूड नहीं था।
नेक्स्ट है द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना विच केम इन टू ऑपरेशन फ्रॉम 1st of December 1997 aims to provide gainful employment to the urban unemployed or underemployed poor but does not include. इसमें नेहरू रोजगार योजना आता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंडर नेहरू रोजगार योजना भी आता है, अर्बन बेसिक सर्विस प्रोग्राम भी इसमें आता है, प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी रेडिगेशन प्रोग्राम भी इसमें कवर होता है, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना ये इसके अंडर कवर नहीं होता. नेक्स्ट है द प्राइसेस एट विच गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अ बफर स्टॉक इज नोन एज. इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, कि जिस प्राइस पे जो गवर्नमेंट है हमारी वो फूड ग्रेन्स को परचेज करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए. अब देखो इसमें आप बोलोगे कि मिनिमम स्पॉट प्राइस भी तो वही होता है ना जिस पे गवर्नमेंट परचेज करती है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्रोक्योरमेंट एंड मिनिमम स्पॉट प्राइस में. प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है ये अनाउंस होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद अनाउंस किया जाता है प्रोक्योरमेंट प्राइस. एमएसपी क्या होता है, ये सोइंग से पहले अनाउंस किया जाता है, बिफोर सोइंग अनाउंस किया जाता है एमएसपी. मतलब जो भी क्रॉप है उसको बीजने से पहले एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है बिफोर सोइंग. प्रोक्योरमेंट प्राइस आफ्टर हार्वेस्टिंग. तो इसका आंसर एमएसपी हम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि जो एमएसपी है ना वो सारी क्रॉप्स पे अनाउंस नहीं किया जाता, एमएसपी कुछ क्रॉप्स पे ही अनाउंस होता है. लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस तो जिस प्राइस पे फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट परचेज करती है वो तो हर क्रॉप का ही होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा प्रोक्योरमेंट प्राइस. इशू प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस होता है जो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है. ये बेसिकली जो रेंटल हाउसेस वगैरह होते हैं वहां पे यूज होता है. सीलिंग प्राइस क्या होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज में यूज किया जाता है, जैसे शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं तो उनका सीलिंग प्राइस क्या है, इसको वहां पे यूज किया जाता है, राइट. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. अंत्योदय अन्न योजना, ग्राम सड़क योजना, सर्वप्रिया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. विच ऑफ दीज अनाउंस्ड इन द ईयर 2000 में इन चारों में से कौन सी अनाउंस हुई थी, तो अंत्योदय अन्न योजना एंड ग्राम सड़क योजना, ये दोनों की दोनों ही 2000 की स्कीम्स है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2. नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर. तो ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1999 में, 22nd of June 1999 में. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम विच प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल्स टू वुमेन इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडर्स. तो स्कीम का नाम है स्वावलंबन स्कीम, स्वावलंबन स्कीम. ये जो स्कीम है इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता था पहले नॉर्डर्ड वेमेन्स इकोनॉमिक प्रोग्राम, नॉर्थ वेमेन्स इकोनॉमिक प्रोग्राम. ये शुरू कब हुआ था, 1982-83 में. और क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ वेमेन्स इकोनॉमिक प्रोग्राम, वेमेन्स इकोनॉमिक प्रोग्राम, राइट. शुरू कब हुआ था ये, 1982-83 में. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ आशा अ ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर अकंपनिंग वुमेन टू द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप. आशा वर्कर्स जो है उन्हीं का काम होता है एंटीनेटल केयर चेकअप करना. यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना, इनके पास किट्स प्रोवाइड करवाई जाती है, तो ये भी आशा वर्कर्स का ही काम है. प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन. अब देखो बिफोर प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन कैसा लेना है, कौन कौन से इंजेक्शंस लगवाने हैं, ये सारा काम किसका है, आशा वर्कर्स का है. डिलीवरी करवाना ये भी आशा वर्कर्स का ही काम है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. नेक्स्ट है हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ रूरल पुअर. By setting up a large number of new manufacturing industries and agribusiness centers in rural area, तो ये भी National Rural Livelihood Mission का ही काम है. By strengthening self-help groups,
को स्ट्रेंथन करना और स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना ये भी इसी का काम है, बाय सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, डीजल पंप सेट्स, माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर नहीं आता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी सपोर्ट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आता है इसमें डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विसेज एट हाउसहोल्ड लेवल, ये इसी के अंडर आता है, सही है। परचेजिंग पावर पैरिटी, ये इसके अंडर नहीं आता। एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिशिएंट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट, ये भी इसके अंडर नहीं आता। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट इज द इंडेवर ऑफ जनानी सुरक्षा योजना प्रोग्राम इज, तो इसके अंडर क्या क्या चीजें आती है, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करना, ये भी जनानी सुरक्षा योजना JSY जिसको बोलते हैं उसके अंडर आता है। टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू द मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, उसको मॉनेटरी असिस्टेंस देना, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प करना, ये भी इसी के अंडर आता है। टू प्रोवाइड फॉर वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट, ये इसके अंडर नहीं आता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट्स, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो क्वेश्चन क्या है, द एम्प्लॉयज ऑफ विच वन ऑफ द अबव कैन हैव द सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, तो किन किन को सोशल सिक्योरिटी दी जाती है अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। होटल एंड रेस्टोरेंट्स को दी जाती है सोशल सिक्योरिटी, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट्स को, लेकिन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं होती। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 1, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट है हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, रूरल पॉवर्टी को कम करने में जो DRDA है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, कैसे हेल्प करती है। DRDA एक्ट ऐसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये अलग से काम कर रही है, ये अलग से इंस्टीट्यूशन है PRIs, तो ये इसके अंदर नहीं आता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। DRDAs अंडरटेक एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मलन्यूट्रिशन एंड प्रिपेयर डिटेल रेमेडियल, ये भी DRDA का काम नहीं है। DRDAs क्योर इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, हाँ ये DRDA का काम है, ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। DRDAs वॉच ओवर एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इंटेंडेड फॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ये भी DRDA का ही काम है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 3 और 4 ओनली। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली SC and ST, अब अकेले इनको नहीं है, सभी को ही इसका बेनिफिट मिलता है, ऑल द अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड आ जाएगा इसका आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।